हाय गाइस, दिस इज़ प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हर्बल शेड्स का हैना पाउडर का रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा ही रिव्यू पसंद आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। सो ये इस तरह से कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक होकर आता है और इसके ऊपर लिखा हुआ है हर्बल शेड्स, जो कि इसकी ब्रांड का नाम है। और इसके ऊपर लिखा हुआ हैना पाउडर 100% हर्बल। ये 100% हर्बल है और इसके साइड में बॉक्स पर यहाँ पर लिखा हुआ हैना पाउडर इमेंस कंडीशनिंग एंड कलरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैना हैज़ मेड इट वन ऑफ हाईली रिलायबल रेमेडी ऑफ एनी हेयर प्रॉब्लम। इट ऑल्सो इम्पार्ट्स रिच कलर टू हैंड्स एंड फीट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी हार्श इंग्रेडिएंट। इट्स प्रोलॉन्ग यूज टू सेव। तो ये हेयर्स को कंडीशन करता है, कलर लाता है एक अच्छा हेयर्स में। और आप इसको अपने हाथ पर और अपने फीट्स पर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि आपको इसमें कुछ ऐसा केमिकल नहीं है जो आपके हैंड्स या फीट को नुकसान पहुंचाए या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाए इससे। सो ये बिल्कुल सेफ़ है। उसके बाद आते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो इस पर लिखा हुआ है हैना लीव्स है इसमें 70%, आंवला इसमें 10% है। उसके बाद है इसमें लेमन, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, 4% इसमें लेमन है। उसके बाद है इसमें नीम लीव्स 4% एंड भ्रामी 6% है, शिकाकाई 6%। सो ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारे हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं और हेयर्स के लिए, हेयर्स की ग्रोथ के लिए, हेयर्स की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। उसके बाद इस पर लिखा हुआ है हाउ टू यूज़, इसको कैसे यूज़ करना है। मिक्स 2 to 4 टेबलस्पून ऑफ हैना पाउडर इन वाटर टू मेक अ पेस्ट, अप्लाई ऑन हेयर एंड लीव इट फॉर 60 मिनट, देन वॉश हेयर विद वाटर। सो हमें 2 से 4 टेबलस्पून लेने हैं इसके और वाटर के साथ इसको मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। उसके बाद इसको 60 मिनट्स तक हमें अपने हेयर्स में रखना है और उसके बाद सिर्फ वाटर से वॉश करना है, हमें शैम्पू यूज़ नहीं करना है। सो जो इस पर लिखा हुआ है 2 to 4 टेबलस्पून, ये आपकी, ये अकॉर्डिंग है आपके हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग, आप जितना इसको मिक्स करना चाहते हैं कर सकते हैं। सो और उसके बाद लिखा हुआ है बालों के लिए नेचुरल कंडीशनर आंवला भ्रामी नींबू के गुणकारी तत्वों से भरपूर। सो आपको यहाँ पर एक हिंदी में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद इसकी दूसरी साइड पर यहाँ पर लिखा हुआ है इसका नेट वेट, इसका वेट है 80 ग्राम और इसका बैच नंबर, डे मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड इसका प्राइस एंड ऑल सब इस यहाँ पर मेंशन है। तो इसका जो प्राइस है वो है 80 रुपीज़ और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है 15/9/18। सो ये इसी मंथ में बना है और ये बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स। तो ये तो हो गई इसकी आउटर पैकेजिंग की बात, अब बात करते हैं इसकी इनसाइड पैकेजिंग की। सो इसमें आपको इस तरह के 2 पैकेट मिलेंगे 40-40 ग्राम्स के, आप देख सकते हैं। सो इसकी जो पैकेजिंग है काफ़ी कन्वीनियंट पैकेजिंग है, अच्छे से पैक होकर आती है ये। और इसके ऊपर, इस पैक पर आपको यहाँ पर इसके ब्रांड का नेम मिलेगा हर्बल शेड्स। और अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और सो ये तो होगी इसकी पैकेजिंग की बात, अब इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, जो कि इसमें है हैना लीव्स। और हैना लीव्स हमारे हेयर्स को बहुत ही अच्छे से कलर करती हैं और हर कोई चाहता है कि हमारे जो हेयर्स हैं वो विदाउट केमिकल हम कलर कर सके। सो हैना लीव से आपके हेयर्स को बहुत ही अच्छा कलर मिल जाता है। सबसे अच्छी बात है इस प्रोडक्ट की कि आप इसे अपने हैंड्स पर और फीट पर भी यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको कोई एलर्जी नहीं होगी, कोई इन्फेक्शंस वगैरह नहीं होंगे। और हैना लीव्स हमारे हेयर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, हेयर्स को कंडीशन करते हैं, हेयर्स में इनसे शाइन आती है। नेक्स्ट डे इसमें आंवला, और आंवला से अगर किसी को हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो उसको ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और आंवला पाउडर से हमारे हेयर्स जो है ग्रोथ करने में हेल्प करता है। आंवला पाउडर डैंड्रफ को ट्रीट करता है, तो आंवला पाउडर हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। और आंवला पाउडर एंशियंट टाइम से यूज़ किया जा रहा है हेयर्स के लिए। उसके बाद इसमें आता है लेमन, और लेमन अगर हमारे हेयर्स में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, स्कैल्प में डैंड्रफ है जो कि जाता नहीं, किसी किसी को बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है जो कि हेयर से नहीं निकलता है, शैम्पू के बाद भी नहीं निकलता है, सो लेमन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और लेमन से हमारे हेयर्स में एक अलग शाइन आ जाती है। उसके बाद इसमें आती है नीम लीव्स, जो कि 4% है इसमें। और नीम लीव से अगर किसी के सर में जुएं हो गई हैं, लाइस की प्रॉब्लम है, तो ये उसको
जो को रिमूव करने में हेल्प करता है। उसके बाद है इसमें भ्रामी 6%, और भ्रामी हमारे हेयर्स को नरिश करता है और हमारे जो हेयर्स को थिक बनाता है। उसके बाद है इसमें शिकाकाई जो कि है 6%, और शिकाकाई से हमारे जो हेयर्स होते हैं वो क्लेंज हो जाते हैं और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। तो ये तो हो गई इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग इन ऑल। के बाद इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको सब बता दिया। ये 100% हर्बल पाउडर है, और इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि अगर जो हम नॉर्मल हैना पाउडर यूज़ करते हैं उसमें हमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने पड़ते हैं, बट इस पाउडर में आपको सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स मिलेंगे। इसमें आपको कुछ भी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और सिर्फ इसको वाटर से मिक्स करना है, पेस्ट बनाना है, अपने हेयर्स पर अप्लाई कर लेना है। और इसमें ये भी नहीं है कि आपको इसको मिक्स पेस्ट बनाकर 2-3 घंटे तक रखना पड़ेगा, आप इसे इंस्टेंटली यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने इसको कैसे अप्लाई किया था और इसको लगाने के बाद मेरे हेयर्स में इसका क्या इफेक्ट पड़ा है। सो इसका पेस्ट बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 4 टेबल स्पून हैना पाउडर, और इसमें मैं थोड़ा सा धीरे धीरे पानी मिक्स कर रही हूँ। आपको एक साथ इसमें पानी मिक्स नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है ताकि एक अच्छा पेस्ट बन जाए और इसमें जो लम्ब्स रह जाते हैं वो ना रहें। इसको अप्लाई करने के बाद इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। जब आप इसका पेस्ट बनाएंगे तो इसका कलर ग्रीन होएगा, बट जब इसे अप्लाई करेंगे थोड़ी देर में जब ये ड्राई होने लगेगा तो इसका कलर जो है ब्लैक हो जाएगा। और इसको मैंने अपने हेयर्स में अच्छे से अप्लाई कर लिया है, और अब मैं इसको 60 मिनट्स तक रखूँगी और फिर मैं अपने हेयर्स को वॉश कर लूँगी। सो मैंने आप देख सकते हैं मैं अपने हेयर्स को वॉश करके आ चुकी हूँ, और मेरे जो हेयर्स है कितने अच्छी तरह से शाइन कर रहे हैं, इतने अच्छे कलर आ रहा है मेरे हेयर्स। तो ये था मेरा फुल एंड ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ हर्बल शेड्स हैना पाउडर का रिव्यू। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये रिव्यू पसंद आया होगा। और अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि आपको इस प्रोडक्ट को एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।